आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू अ क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा था. लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. अगर आंसर आता है तो पहले वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके लिसन टू द आंसर विच आई टेल यू फॉर द क्वेश्चन. ठीक है. सो क्वेश्चन कहता है, देयर इज अ रिएक्शन विच इज गिवन टू अस, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम विल फॉर्म Al2O3 प्लस क्रोमियम. ठीक है, हो क्या रहा है रिएक्शन में, क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Al2O3. फाइन. अब भाई बोल रहा है कि भाई इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट -421 किलो जूल्स है. कहने का मतलब कि रिएक्शन तो फिजिबल है ना, अगर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन इज फिजिबल. तो ये कह रहा है दिस इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, बट द रिएक्शन डजंट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. और वो पूछ रहा है कि व्हाई दिस इज सो, कि यार रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं रही है, ऑल्दो डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव. अब यार सोचो, मान लो मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स तो बस ये बोलती है कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी. सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यस, डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज फिजिबल. चाहे रिएक्शन फिजिबल है या मतलब अगर रिएक्शन फिजिबल है भी सही, तो भी तो काइनेटिक्स की बात करेंगे ना, मतलब वी नीड टू नो सम एक्टिवेशन एनर्जी. भाई मतलब मान लो रिएक्शन फिजिबल है, अभी द रिएक्टेंट्स आर हियर, यू हैव टू प्रोवाइड अ बेयर मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी ताकि रिएक्शन हो जाए. दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिंगम डायग्राम. एलिंगम डायग्राम बता तो देता है दैट द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, बट वो ये नहीं बताता कि कितने टाइम में रिएक्शन होगी. इट हैज गॉट नथिंग टू टेल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. सो आई एग्री कि रिएक्शन होनी चाहिए, बट रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं होती, रीजन बीइंग वी नीड सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सो एज टू कैरी आउट द रिएक्शन. आगे समझ. सो दिस वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन कि वाई दिस रिएक्शन डजेंट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. तो अगर ऐसा ऐसा कोई और रिपीटिव क्वेश्चन आए तो आई होप यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. फाइन. तो चलो, सो ये क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि वॉट इज द मेन ओर ऑफ जिंक एंड वॉट इज द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन. सो तब तक मैं लिख देती हूँ द टाइटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. देखो यार, जिंक इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला है ZnS. सिंस ये तो एक सल्फाइड हो रहा है, तो बचपन से रटा हुआ है, ग्रेड टेंथ में भी पढ़ाते हैं कि इट हैज टू बी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द प्रोसेस विल बी नोन एज रोस्टिंग. इट विल फॉर्म ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज गैशियस थिंग, सो इट विल गो अवे, राइट. स्टेप नंबर टू क्या होगा, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कर दो यूजिंग कार्बन टू फॉर्म Zn प्लस CO. ये भी एक क्वेश्चन ग्रेड टेंथ में तो बोर्ड एग्जाम्स में पूछते ही हैं. दे कैन आस्क यू फॉर ग्रेड ट्वेल्थ ऑल्सो, वट इज द रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट हियर इज कार्बन एंड इट्स नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. सो दिस वॉज सिंपल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. इससे ज्यादा अभी हमें नहीं करना. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है. अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ, देन आई विल टेल यू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. देखो, इसको बोलते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जी मैंने बोला था कि क्या होता है. पायरो मीन्स हीट, मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन. सो व्हेन यू आर यूजिंग हीट टू लाइक टू एक्सट्रैक्ट एनी पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम इट्स ओर विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज वॉट इज पायरोमेटलर्जी. जितनी भी हमने आयन की, जिंक की, कॉपर की एक्सट्रैक्शन करी थी, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ पायरोमेटलर्जी. फाइन. अब जो नया टॉपिक मैं अब सिखाने जा रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. मतलब अब हम हीट वगैरह से काम नहीं करेंगे. नाउ वी विल बी यूजिंग सम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ग्रेड सॉरी 12th का थर्ड चैप्टर है, राइट? सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन वी विल स्टडी. मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, लेट अस से द रिएक्शन इज Fe2O3 प्लस कॉपर, इट विल फॉर्म CuO प्लस Fe. ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, Fe2O3 दो Fe है, यहाँ पे मैंने दो लिख दिया. एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन, कॉपर इज वन, सो तीन ऑक्सीजन हैं, लेट मी राइट थ्री हियर एंड देन आई विल बी राइटिंग थ्री कॉपर. एक बार हो गया Fe2, टू Fe, थ्री ऑक्सीजन, तीन कॉपर. फाइन, मान लो ये मैंने रिएक्शन लिख दी. ये नहीं लिखना, कुछ सिंपल टर्म्स में अगर अंडरस्टैंड करना है तो लेट मी से Zn प्लस CuSO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu. मान लो मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में सिखा देती हूँ, ठीक है? तो ये दो हाफ रिएक्शंस में लिख सकते हैं, राइट? आई कैन सिंपली से Zn इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर 2 प्लस विल बी गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर. मतलब अगर इफ आई राइट द ओवरऑल रिएक्शन तो क्या बन जाएगी, Zn प्लस Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर. लेट मी से सल्फेट ऐड कर दो ऑन बोथ द साइड, सो वी विल से Zn प्लस CuSO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड? डोंट से मैम 2+2. नो, द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड आर 2, बिकॉज ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड कॉपर 2+ इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. सो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग यूज्ड इज 2. फाइन, नाउ दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन आई हैव रिटन एंड इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ऑब्वियसली देयर विल बी सम ई नॉट ऑफ द सेल which is standard reduction potential. भाई इस सेल का कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा. अब कैसे पता चलेगा whether the reaction is feasible or not? तो हम लिखते हैं in thermodynamics also and in electrochemistry also we studied ΔG0 is equal to minus NF E naught of the cell. राइट, ये क्वेश्चन याद है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा अच्छे से डिटेल स्टडी किया था दैट ई नॉट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड एफ इज फैराडेज कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1 फैराडेज 96500 कूलम्स. खैर हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, द ओवरऑल थिंग वी नीड टू नो फॉर दिस एक्सट्रैक्शन चैप्टर इज कि इफ ई नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड दस ΔG0 ऑफ द सेल इज नेगेटिव, मतलब द ओवरऑल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. बात खत्म. ठीक है, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो गया बट ये पता होना चाहिए इफ दे आस्क यू टू टेल व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो बस ये समझा दो कि भाई ΔG0 इज माइनस NF E0 सेल. अगर किसी सेल का E0 विल बी पॉजिटिव एंड ΔG0 विल बी नेगेटिव, सो वी विल से द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. मतलब वी विल से फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन वी कैन यूज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया. Now we will be studying the क्या कहते हैं the application of this particular concept which is extraction of aluminium. तो एक बार ये फटाफट से लिख लो, then we'll study about the extraction of aluminium. लिखो, चलो तो electrochemical principles clear हो गया. Now let us finally move to the extraction of aluminium, जिसमें से almost हर साल board exams में एक ना एक question तो आता है. ठीक है, मतलब ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है. सो लेट मी राइट ऑन द टॉपिक. दिस इज सारा बोर्ड गंदा हो गया हमारा. दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके बताओ व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है,
इसको हम ऑल्सो वी कॉल इट एज हॉल हेरॉल्स प्रोसेस. अब अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन पसंद नहीं आई है तो इट्स ओके, मुझे सिखा दो कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट मैं तो इसको हॉल हेरॉल्स प्रोसेस बोलती हूँ एंड दैट्स ओके, चल जाएगा टाइम भी. सो वी आर डूइंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग हॉल हेरॉल्स प्रोसेस विद द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ध्यान से समझना. सबसे पहले इसमें कोई हम ब्लास्ट फर्नेस नहीं लेते हैं, वी डू नॉट टेक एनी रेवरबरेटरी फर्नेस. एक हम ना स्टील का डब्बा लेते हैं, मतलब वी विल टेक स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन विच विल एक्ट एज कैथोड. पॉइंट नंबर वन जो कि याद रखना है, क्या बोला मैंने, वी विल बी टेकिंग अ स्टील वेसल, स्टील का डब्बा है और इस पूरे स्टील के डब्बे में देयर इज लाइनिंग ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन चिपका हुआ साइडों में, एंड दिस कार्बन विल बी एक्टिंग एज द कैथोड. ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सुंदर बना देती हूँ क्योंकि सुंदर लगना चाहिए. सो दिस इज द लाइनिंग ऑफ कार्बन विच विल एक्ट एज कैथोड. याद कैसे रखोगे, कार्बन विल एक्ट एज कैथोड, सी सी, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. उसके बाद वॉट वी हैव, वी विल बी हैविंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. सो वी विल बी हैविंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स विच विल एक्ट एज एनोड. वैसे तो दोनों ही कार्बन है, मतलब ग्रेफाइट एंड कार्बन बोथ आर कार्बन, बट यहां पर देयर इज लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्टिंग एज कैथोड एंड हियर देयर आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स विच विल एक्ट एज एनोड. ये दोनों चीजें याद रखनी है, उल्टा नहीं करना, डोंट स्वैप देम, दीज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, पॉइंट नंबर वन तो ये हो गया. सेकेंडली वॉट वी डू, वी टेक द ओर ऑफ एल्यूमिनियम विच इज Al2O3, बॉक्साइड बोलते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्योरीफाइड, मतलब जितना प्योर बना सकते हैं उतना प्योर ले लेते हैं बाई डूइंग ऑल द कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेसेस एंड ऑल. ठीक है, so we have taken purified Al2O3, this is in the molten form, and we mix it with Na3AlF6 jiska naam hota hai cryolite, yeah, you can also mix it with calcium fluoride CaF2. वापिस बताती हूँ क्या किया. सबसे पहले वी हैव टेकन अ स्टील वेसल विद द लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्टिंग एज कैथोड. देन वी विल डिप द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स विच आर ऑब्वियसली कनेक्टेड टू सम बैटरी और सम ह्यूज पावर विच विल एक्ट एज एनोड. ठीक है, बैटरी वैटरी आई एम नॉट शोइंग हियर बट ये होता ही है. उसके बाद वी विल बी टेकिंग मोल्टन प्योरीफाइड एल्यूमिना Al2O3. वी विल मिक्स इट विद क्रायोलाइट. सबसे पहले रट लो द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज Na3AlF6. इंस्टेड ऑफ क्रायोलाइट यू कैन ऑल्सो एड CaF2. अब मैं ईयर, मेरे को याद नहीं है मतलब ऑनेस्टली कि कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैं कम से कम 10 साल बता सकती हूँ वेयर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना. सो क्रायोलाइट या कैल्शियम फ्लोराइड का दो काम होते हैं. फर्स्ट इज दे विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर. सबसे पहले ये मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, मतलब ये जो Al2O3 है ना, इट मेल्ट्स एट अ रियली हाई टेम्परेचर. अब अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा यार, आधी एनर्जी तो इसी में खत्म हो जाएगी टू मेल्ट इट, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो इसी में वेस्ट हो जाएगी टू मेल्ट एल्यूमिना, है ना. तो वी नीड टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर. तो उसके लिए हम क्रायोलाइट डाल देते हैं. ये पता है ना, मतलब इम्प्योरिटीज डालने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था. सो सम प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, इट विल लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर. सेकेंड, इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर. ये कैसे होगा यार, मतलब Na3AlF6 ये तो आयनिक है ना, इट विल फॉर्म 3Na+ प्लस AlF6 3-, या इट विल फॉर्म कैल्शियम फ्लोराइड CA2+ एंड F2-.
आयनिक कंपाउंड्स आ गए मिक्सचर में, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. ओके, सो वन थिंग कम्स फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर डायल्यूट सॉल्यूशन, अनदर थिंग कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कि कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, ये है हमारे दो मार्क्स का क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट? इट लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर. बात समझ आ गई? तो मैंने ये सिलिका लाइन, ये क्या कहते हैं, एक स्टील का वेसल ले लिया जिसके अंदर वी हैव एडेड Al2O3 + Na3AlF6 या कैल्शियम फ्लोराइड, ये हमने डाल दिया. ठीक है, अब देखते हैं. नाउ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि दिस इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है, तो हमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. अब देखो, सो लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड व्हाट आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड. ये बात तो पता है ना यार कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, और इतना भी पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन किसका करवाना है? हमारे पास है Al2O3 जिससे मुझे रिड्यूस करके एल्यूमिनियम आई नीड. सो वी विल से Al3+ फ्रॉम द मेल्ट. आई टोल्ड यू राइट, इट्स इन द मोल्टन फॉर्म. सो Al3+ फ्रॉम द मेल्ट विल बी एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, विल अंडरगो रिडक्शन एंड विल फॉर्म एल्यूमिनियम इन द मोल्टन स्टेट, जिसको हम बाहर ले आएंगे. यही तो चाहिए था. सो Al3+ विल कंबाइन विद 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम. हमारा एल्यूमिनियम तो आ गया. फाइन, अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी. क्या क्या था? Al2O3 विच वॉज मेड अप ऑफ Al3+ एंड O2-. तो ऑक्सीडेशन करा दो O2- की, वट विल हैपन? देखो, इसको समझने के दो तरीके हैं. या तो यू से O2- विल बी फॉर्मिंग O2+2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2O2- विल फॉर्म O2+4 इलेक्ट्रॉन्स. देखो, -2 से इट इज कमिंग टू 0, मतलब इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, राइट? कि O2- इज गेटिंग कन्वर्टेड टू O2. अब देखो, नाउ ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉड्स थे, दीज आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉड्स, राइट? मतलब मेड अप ऑफ कार्बन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन मिला, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस वॉज अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन आई थिंक 2012 में, आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर, कि वॉट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉड्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. सो वॉट दे आर डूइंग, कार्बन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेंस एल्यूमिनियम 3+ कैन अंडरगो रिडक्शन ईजिली. फाइन, अगर यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, तो ऐसा समझ लो, मतलब देर इज अनदर वे आई कैन एक्सप्लेन, कि जो कार्बन था विच इज मेकिंग अप द एनोड, द ग्रेफाइट विच वॉज मेकिंग अप द एनोड विल कंबाइन विद O2-, इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. O2- इज कमिंग फ्रॉम मेल्ट, भूलना नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम मोल्टन स्टेट ओनली. नाउ इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वॉट विल हैपन? कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिलीज. और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट फॉर्म, सो वॉट विल हैपन? कार्बन विल कंबाइन विद 2 O2-, अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम मेल्ट. You can say it will form carbon dioxide and 4 electrons will be released. Overall, you can say O2- is undergoing oxidation, which combines with the carbon, making up the anode, and hence carbon dioxide will be released. ठीक है? तो इस पूरे process में क्या ये बात clear हो गई कि जैसे जैसे oxygen will be released, the graphite electrodes will start getting used up. आधे घंटे में use हो गए, then in another 1 hour this will be used, 2 hours mein this will be used, 3 hours mein this will be used. So slowly with the process, the graphite electrodes will be completely used because they will get converted to carbon dioxide and carbon monoxide. Ye sabse badi problem hai about the Hall-Herald's process ki bari bari graphite khatam ho jata hai. So we have to replace the graphite with the new graphite electrodes. Aaya samajh? सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई. क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, एक तो ये, वॉट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट, वॉट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट, वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, विच ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन, वॉट इज द प्रिंसिपल. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, अब इसको फटाफट से नोट करो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नाउ वील बी मूविंग ओवर टू द
last topic in the extraction of copper. This is a kind of topic, but I will try to cover 2-3 questions जो बहुत सारे papers में पूछे गए हैं. So first question जो paper में पूछा था, that is the extraction of copper from low grades copper ores or scraps. देखो वैसे तो NCERT में ना it is not at all given as an important thing. एक छोटा सा paragraph बना है मतलब, और वहाँ पे ये सब लिख रखा है. But this is so damn important कि बहुत बार paper में पूछ रखा है. So I thought of covering it in proper details. देखो कॉपर की क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, अभी सिखाया था इन द रेवरबरेटरी फर्नेस, कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो ठीक है. बट अगर हमें एक्सट्रैक्शन करनी है कॉपर की यूजिंग लो ग्रेड्स कॉपर ओर, मतलब जो सस्ते टाइप के कॉपर ओर होते हैं ना उनसे एक्सट्रैक्शन करनी है, या कॉपर के जो स्क्रैप्स होते हैं एकदम बेकार बकवास कॉपर होता है उससे एक्सट्रैक्शन करनी है, तो कैसे करते हैं? So there is this process which is known as hydrometallurgy. Please, ye word achhe se yaad rakh lo. This is very, very important. The process is called hydrometallurgy. Dekho, yahan par hum kya karte hain? Basically, we will do the leaching of copper 2+. अब हम कॉपर 2+ एक्वस को लीच करते हैं. लीचिंग का मतलब सिखाया था ना, सॉल्यूशन बना लो फिर उसके अंदर कुछ डालो और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो, दैट इज लीचिंग. नाउ द लीचिंग इज डन ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या विद द एक्शन ऑफ BACTERIA, बैक्टीरिया. मतलब या तो बैक्टीरिया के साथ लीचिंग करवा दो या एसिड के साथ लीचिंग करा दो. एसिड में जनरली हम H2SO4 यूज करते हैं फॉर द लीचिंग पर्पज. मतलब अब मैं शॉर्ट में समझाती हूँ क्या करते हैं. देखो हमारे पास कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म में, वी पास हाइड्रोजन गैस ओवर द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+, कॉपर विल कम इन द सॉलिड फॉर्म एंड 2H+ विल कम इन द एक्वस फॉर्म. दैट्स इट, हो गया ना कॉपर की रिडक्शन. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए देन प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. भाई ने क्या पूछा है, वेदर ही हैज आस्क्ड द सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यूजिंग द ओर और ही हैज मेंशन लो ग्रेड्स और स्क्रैप्स. अगर इन दोनों में से कुछ भी मेंशन है बी स्पेसिफिक अबाउट द टर्म हाइड्रोमेटलर्जी. हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब ही यही होता है, ये जो लीचिंग वाला प्रोसेस होता है ना टू मेक अ सॉल्यूशन एंड देन टू टेक आउट कॉपर, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी. फाइन, और इसमें मैंने बता दिया क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं इधर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बैक्टीरिया, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, कॉपर सॉलिड बन जाएगा और 2H+ एक्वस बाहर आ जाएंगे. आई होप ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी क्लियर होगी. दिस इज इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर प्लीज, इसको कहीं पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज वेरी गुड थिंग. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन पूछा था 2009 में, एक क्वेश्चन पूछा था. बाय द वे एक और बात बताती हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज 6.4 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. तो यहाँ से पता चलता है कि जितने भी एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन है ना एनसीईआरटी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू, जिंक या आयरन, वुड बी प्रेफर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम लीच्ड कॉपर ओर. कॉपर ओर से हमने लीचिंग करके कॉपर निकाल लिया, अब कॉपर को निकालने के लिए वेदर यू विल बी यूजिंग जिंक और विल यू प्रेफर यूजिंग आयरन. यार तो देखो मतलब करना क्या है, कॉपर 2+ की रिडक्शन करनी है, तो आई हैव टू यूज समथिंग विच वॉन्ट्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो या तो जिंक वुड लव टू अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Zn2+, या कॉपर 2+ शुड बी ट्रीटेड विद Fe सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड टू Fe2+ कॉपर, है ना. अब अगर मैं रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव. अगर जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इट हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी वी शुड बी प्रेफरिंग जिंक. आई डोंट नो ऊपर से कट रहा है नहीं, बट आई होप क्लियर है, चीजें क्लियर है, राइट. तो वैसे तो वी शुड प्रेफर जिंक ओवर आयरन, बट द प्रॉब्लम इज जिंक बड़ा ही महंगा आता है. तो हम क्या करते हैं, विल बेटर यूज आयरन की चलो सस्ता भी है और काम चलाओ भी है, मतलब काम तो हो ही रहा है. ठीक है, तो थियोरेटिकली द आंसर शुड बी जिंक बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, बट प्रैक्टिकली वी प्रेफर यूजिंग आयरन बिकॉज इट इज चीपर एंड द प्रोसेस कैन बी डन इजीली. ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया.
Now coming on to the last question of this topic. Uske baad I'll wind up today's lecture and then we'll move on with the other topics in the next lecture. Question hai ki why is electrolytic reduction preferred over chemical reduction for isolation of certain elements? Matlab, यार अभी तक तो सब सही चल रहा था ना, केमिकली रिडक्शन कर रहे थे, पायरोमेटलर्जी कर रहे थे, फिर क्या बला आई कि हमें मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की ज़रूरत पड़ी, वाई? ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर ये है कि इफ़ आई टॉक अबाउट हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब मान लो ग्रुप नंबर वन एल्कली मेटल्स या ग्रुप नंबर टू एल्कलीन अर्थ मेटल्स, मतलब जो टॉप पे लाई करते ना के एन ए सी ए एम जी ए एल, ये वाले, ये जो टॉप हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे हैव, मान लो मैं इनकी मतलब जैसे मान लो के टू ओ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेट अस से कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. अब मैंने इसकी कार्बन के साथ रिडक्शन करानी शुरू करी तो हमें लगता है दैट इट शुड फॉर्म के प्लस सी ओ, है ना, बट द प्रॉब्लम इज दीज मेटल्स हैव More affinity for oxygen. मतलब यार these are already in love with oxygen. मतलब यार they are madly, deeply, blindly in love with oxygen. तो why will they give oxygen to carbon? No. मतलब carbon cannot be acting as a reducing agent for such metals because they are so highly reactive that they have more affinity for oxygen. आ गया? तो सबसे main reason यही है कि भाई we cannot use carbon as a reducing agent for reduction of these metal oxides. So, bhai, agar carbon use nahi kar sakte, carbon monoxide use nahi kar sakte, so we cannot do pyrometallurgy, right? So, we have to use electricity to break them apart. Like aluminium oxide cannot be reduced by carbon simply because aluminium has more affinity for oxygen. So, agar I want to break down aluminium oxide, I have to apply some external electrode potential. That's it. Aya? So, yahan tak was all the important things which I wanted to cover in today's lecture. I hope sari cheeze clear hai. In case koi bhi doubt hai, to feel free to ask me the questions you have for doubts. Theek hai? And if you like the video, please comment something and like it, share it with your friends so that I should feel like, wow, my efforts are not going in vain. They are helping you. Okay? So with this, let me wind up the lecture. Thank you very much. Bye-bye.